जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज एक ऐसे टॉपिक को जो कि आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर किसी भी स्टेट टेट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपका ये टॉपिक पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा करके देखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को हर साल मिलते हैं। तो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस, वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि और विकास ये दो ऐसे शब्द हैं, सुना जाए या फिर अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपको वो ये बताएगा कि ये दोनों पर्यायवाची होते हैं, यानी कि सिनोनिम्स होते हैं, बट इनमें भी अंतर होता है और यही अंतर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि बीच के किसी भी पॉइंट को आपको उठा करके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मैंने सारे पॉइंट्स को एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म उसको बना करके हर एक पॉइंट को मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। टू द पॉइंट बिल्कुल है, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत यूजफुल हो। तो ग्रोथ यानी कि इसकी हिंदी होती है वृद्धि एंड डेवलपमेंट की हिंदी होती है विकास, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ वृद्धि जो होती है ये क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है या फिर परिमाणात्मक परिवर्तन आप कह सकते हैं। जैसे ये फिजिकल चेंज को केवल दर्शाता है, जैसे छोटा बच्चा, बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद धीरे 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 उसकी साइज बढ़ती है, उसके एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो इस तरीके से ये क्या है, मात्रात्मक, जिसमें मात्रा देखी जा सकती है, हाइट को नाप करके हम पहचान सकते हैं कि हाँ इतनी मात्रा बढ़ी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंज इसको कह सकते हैं। इसी के जस्ट ऑपोजिट अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो ये होता है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों। क्वांटिटेटिव तो होता ही है यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन तो होता ही है, और क्वालिटेटिव प्लस मतलब ये ओवरऑल पूरा क्वालिटेटिव भी देखा जाता है, पूरा यानी कि गुणात्मक परिवर्तन आप कह सकते हैं। केवल मात्रात्मक ही नहीं, गुणात्मक परिवर्तन भी साथ में होता है, जैसे बिहेवियर में चेंज होगा, वो किस तरीके से मतलब व्यवहार उसका है वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, और क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, किस किस तरीके से वो दूसरों के सामने बातचीत करता है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं। तो ये जो ग्रोथ है ये डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ओनली, क्योंकि ग्रोथ भी क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट पे भी क्वांटिटेटिव आता है, लेकिन डेवलपमेंट केवल क्वांटिटेटिव नहीं होता है, ये पूरा ओवरऑल चेंजेस व्यक्ति में, केवल उसकी हाइट उसका वेट ही नहीं देखा जाता है, उसके ओवरऑल चेंजेस इवन उसके बिहेवियर तक में परिवर्तन को देखा जाता है। नेक्स्ट है, इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज। अभी मैंने बताया ग्रोथ क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। बच्चे के माँ के गर्भ से होने से लेकर के जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती है, मैच्योरिटी आने तक बच्चे की हाइट जो है, किसी भी व्यक्ति की जो हाइट है, वेट है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये केवल आप फिजिकल चेंज कह सकते हैं, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि व्यक्ति में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेस, इसमें क्या आ जाता है, ओवरऑल चेंजेस, मतलब ओवरऑल चेंजेस का क्या मतलब है, आपके फिजिकल चेंजेस के साथ साथ बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास मतलब बच्चा किस क्या सीख रहा है, बच्चा कैसे सोच रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कैसी है, यानी कि किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसकी तार्किक क्षमता कैसी है, उसकी लॉजिकल एबिलिटी कैसी है, उसकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, ये सभी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा हुआ है यानी कि सामाजिक विकास, उसका मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, हर एक विकास को हर एक पहलू से देखा जाता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, एक पूरी तरीके से पूरी ओवरऑल प्रक्रिया होती है, ठीक है। थर्ड है, इट कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, आप माप सकते हैं, जैसे हम लोग हाइट मेजर करते हैं 4 फीट है कि 5 फीट है कि 6 फीट है, ठीक है, और उसके वेट को भी मापा जा सकता है, 40 kg है कि 50 kg है कि 60 kg है, इस तरीके से ग्रोथ को क्या है, हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। बट अगर डेवलपमेंट को देखेंगे तो डेवलपमेंट केवल क्वांटिटेटिव चीज तो आप इसमें देख सकते हैं कि मात्रात्मक परिवर्तन जो था ग्रोथ वाला वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन हर एक क्वालिटी को आप माप नहीं सकते हैं। अच्छा आप खुद सोचिए, बच्चे में नैतिक विकास कितना है कैसे आप जान पाएंगे, बच्चे में मूल्यों का विकास कितना हो वो आप नहीं जान पाएंगे, बच्चा समाज में रह करके कैसे बिहेव करता है, क्या सीखता है, ये आप कैसे जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। बच्चे को केवल किसी भी व्यक्ति को आप देख करके नहीं पहचान पाएंगे कि उसकी
लैंग्वेज डेवलपमेंट कितनी है, वो बोल कैसा रहा है, ये भी आप नहीं जान पाएंगे। तो डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ समय नहीं, अपना टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, आप उसके बारे में, उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या क्या उसके बिहेवियर्स हैं, किस तरीके का वो बिहेव करता है, ये सभी चीजें आप नहीं माप सकते हैं। तो इट कैनॉट बी मेजर। नेक्स्ट है, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। इट रन्स टिल मैच्योरिटी ओनली। ये केवल मैच्योरिटी तक ही चलती है प्रक्रिया। जैसे बच्चा सपोज माँ के गर्भ में है, तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। फिर बच्चा जब पैदा होता है, धीरे 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 उसकी वृद्धि होती है, यानी कि उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आप उसके उन सभी परिवर्तनों को आप देख सकते हैं। तो ठीक है, ये मैच्योरिटी तक। एक टाइम ऐसा आता है मैच्योरिटी आने तक क्या होता है, ग्रोथ है वो रुक जाती है। मैच्योरिटी के बाद आप ग्रोथ नहीं देख सकते हैं। क्या आप, ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे लंबाई बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम आने के बाद क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता तक ही ग्रोथ केवल आपकी होती है, उसके बाद ग्रोथ जो है रुक जाती है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस टिल डेथ। डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। हालांकि जो स्पीड है वो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा, इस तरीके से हो सकती है, बट ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, उस व्यक्ति की मृत्यु तक विकास होता रहता है। इवन बुढ़ापे में आप देखते हैं, कभी जैसे क्या होता है, कभी कभी दिमाग चेंज हो जाता है, लोग बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, या फिर सपोज किसी को कोई डिजीज हुई, उसके वजह से भी लोगों का मूड चेंजेस वगैरह, तो कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एज में आके डेवलपमेंट रुक जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। बुढ़ापे में भी विकास होगा, ठीक है, तो कोई ना कोई विकास जो है उसकी प्रक्रिया चलती ही रहती है, चाहे वो स्लो चले या फास्ट चले। ठीक है, तो ये क्या है, टिल डेथ, यानी कि मृत्यु तक विकास जो होता है, मृत्यु के होने तक, तब तक विकास चलता ही रहता है। नेक्स्ट है, इट मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की शारीरिक वृद्धि हो गई है तो उसका विकास भी हुआ हो। कभी कभी आप देखते हैं, जैसे बच्चा जो है, कोई भी व्यक्ति हाइट में तो बड़ा हो गया, बट उसका दिमाग जो है वो छोटे बच्चों वाला है, उसकी IQ लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब वो बहुत जितना सीखना चाहिए उस हिसाब से वो सीख नहीं पाता है। तो ये होता है कि ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हो गई है, शरीर में वृद्धि हो गई है, कोई बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत मोटा दिख रहा है, तो उसका दिमाग भी उतना ही तेज होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ ऑल्सो। लेकिन डेवलपमेंट जो है ये ग्रोथ के बिना भी पॉसिबल है। आपने देखा होगा कई बहुत छोटे हाइट के भी लोग होते हैं, बौने वगैरह, या फिर जैसे बहुत ज्यादा किसी की वृद्धि नहीं हुई लेकिन डेवलपमेंट उसका हुआ रहता है। अगर आप उसका माइंड चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि माइंड उसका कम होगा या फिर उसकी IQ बहुत कम होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, बट ऐसे भी केसेस होते हैं कि अगर ग्रोथ नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है ओवरऑल प्रक्रिया होती है, सामाजिक विकास, जो बच्चा, देखिए बच्चे का मेन जो वृद्धि एवं विकास है पूरे उसके एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, यानी कि वो किस प्रकार के परिवेश में रह रहा है, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहा है, ये पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड करता है। अगर उसको अच्छा समाज मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छा परिवेश मिल रहा है, तो उसकी फिजिकल चेंजेस भी उसी प्रकार के होंगे, और उसकी जो बाकी विकास जैसे सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, अच्छे लोगों के बीच में रहेगा तो नैतिक विकास उसका अच्छा होगा, मॉरल डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, अगर उसको अच्छी शिक्षा आप देंगे, प्रॉपर तरीके से आप उसका ध्यान देंगे तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। तो डेवलपमेंट हमारी ओवरऑल प्रोसेस है, और ग्रोथ जो है इसको केवल फिजिकल एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, यानी कि शारीरिक जो चेंजेस होते हैं उसको बोला जाता है ग्रोथ। बट ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट ग्रोथ भी है। ठीक है, तो इसको आप सेम समझने की गलती कभी मत करिएगा।
टू द पॉइंट, इतने ही सारे पॉइंट से आपके पक्का आपके सीटेट या किसी भी टेट के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, तो आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा। डेट आई होप आपको अब पता चली चुकी होगी कि 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम है जो कि टल चुका था। यूपी टेट का एग्जाम इस साल नहीं होने वाला है, ये ऑर्डर आ चुका है। हालांकि नेक्स्ट ईयर फरवरी में यूपी टेट का भी एग्जाम कराने का ये बोला गया है, बट अभी भी उसका फॉर्म नहीं आया है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ऑलरेडी हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं हम लोग। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं सीटेट के जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जिन्होंने भी अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।